गाइस, मैं आ चुकी हूँ न्यू वीडियो के साथ। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस स्क्रब रिमूव ब्लैक हेड हेल्प सन टैन रिमूवल न्यू इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन। ये 100 kg की है, इसका प्राइस 225 rupees है। इसमें 50 kg की भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं अगर आप पहली बार इसे ले रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो 50 kg की लीजिए, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा क्या है ना, आपको नुकसान ज़्यादा ना होगा। तो आप देख सकते हो ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से आपको स्क्रब दिखता है। मैंने इसे इस्तेमाल किया इसलिए स्क्रब यहाँ तक आ चुका है, वरना ये यहाँ तक था। तो ओके, हम बात करते हैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो मैं आपको यहाँ इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके हम बहुत बड़ा एक चैप्टर लिखा हुआ होता है ना गाइस, वैसा इसके इंग्रेडिएंट्स उन लोगों ने इतने लिख के बता दिए हैं। बस मैं आपको मेन बता दूँगी इसमें से। थोड़े बहुत लोग पूछते हैं या थोड़े बहुत लोगों को यही जानना होता है कि इसके अंदर पैराबेन मिले हुआ है या नहीं। हाँ, तो गाइस इसमें पैराबेन मिले हुआ है, आपको मैं ये बता दूँ। और इंग्रेडिएंट्स के मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करके एक फ़ोटो लगा दूँगी। आपका दिल चाहे तो आप इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, और इसमें से थोड़े बहुत मैं आपको पढ़ के भी दिखा देती हूँ। इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जैसे सोडियम, पैराबेन, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है गाइस। देख रहे हो आप, इतना इंग्रेडिएंट्स के लिए ही इन लोगों ने पता नहीं क्रीम को बनाया है क्या है। हाउ टू यूज़, आपको यहाँ पर कैसे यूज़ करना है ये भी लिखे हुआ है। अगर आप पहले स्क्रब यूज़ करते तो आपको ज़रूरत ही नहीं है गाइस कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि आपको पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है विदाउट सोप, बिना साबुन के आपको अपना पहले फेस कच्चा करना है, गीला करना है। देन थोड़ा सा स्क्रब लेना है अपने हाथ में, दोनों तरह से अच्छे से मसाज करना है हैंड्स में। देन अपने आपके फेस पे अप्लाई करके स्लोली स्लोली मसाज करना है। देखिए, थोड़े लोग फेस को स्क्रब करते हैं नेक को छोड़ देते हैं, थोड़े लोग नेक को स्क्रब करते हैं फेस को छोड़ देते हैं। बट आप कभी भी स्क्रब यूज़ करें तो आपके फेस को भी करें और नेक पे भी करें, ताकि आपके जो ब्लैक हेड्स हैं और स्टेन रिमूवल हैं वो सारे रिमूव हो जाए। ब्लैक हेड्स ये रिमूव करता है, ये ऐसे दावा करता है गाइस, और ये आपके सन टैन रिमूवल भी करता है, ये भी दावा करता है। ये आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों में, और उसके वजह से आपके जो ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स हैं तो वो रिमूव होने के बाद आपकी स्किन ब्राइट दिखेगी। ये दावा करता है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, आपको वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद वो उस पर काम ना कर सकें। शायद हो सकता है कि ये वर्क ना कर सके। और लोग कहते हैं कि भाई लगाते कि झूम अंदर हो जाए, भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको 1-3 बार तो कंपल्सरी लगाना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मालूम चलेंगे। वीक में 2-3 टाइम आपको लगाना है, 3 days, मतलब एग्जैक्ट 3 days मत लगा लीजिएगा। वीक में 3 days आप लगाओगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है, आपके ब्लैक हेड्स हटा रहा है और आपके वाइट हेड हटा रहा है, और आपको सन टैन रिमूवल में हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको खुद को अच्छे से मालूम हो जाएगा। अगर आप एक बार यूज़ करते हो कहते हो कि भाई इसने तो कुछ किया ही नहीं, तो क्रीम की भी कोई गलती नहीं है, कंपनी की भी कोई गलती नहीं है। गलती तो आपकी है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम यूज़ किया और एक ही बार यूज़ किया है। तो आप 1-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको जब ही रिजल्ट मालूम होंगे। हर एक क्रीम, ये क्रीम रहो चाहे कौन सी भी क्रीम रहो, हर किसी के चीज़ थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली मालूम होती है। मैन्युफैक्चरिंग और हर चीज़ यहाँ पर मेंशन है, ये पॉन्ड्स की है। और मैं आपको इसे ऑन करके बता देती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा निकल गया। लाइट पिंकी शेड में है, और इसके अंदर आप देख सकते हो, मैं इसके अंदर कैसे करूँ। देखो, मैं आप लोग को एक आइडिया भी बता देती हूँ, थोड़े बहुत लोग करते ही होंगे, क्रीम को रिटर्न ले ऐसे प्रेस करें खुद का खुद की बंदा। ओके चलो, बहुत हो गया, अभी करते हैं काम। आपकी स्किन, आपके फेस पे आपको पहले पानी लगाना है, देन फिर आपको स्क्रब अच्छे से मसाज करना है। थोड़े बहुत लोग ना स्क्रब को ऐसे करते ना कि यूँ, तो आपकी स्किन ख़राब होंगी। स्क्रब में ऑलरेडी आप देख सकते हो अच्छा खासा स्क्रब है ये, तो आपकी स्किन को रैशेज भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ स्लोली स्लोली प्रेस एंड स्लोली स्लोली, दैट्स इट। ना कि ऐसे करोगे तो ख़त्म हो जाएगी आपकी स्किन। अभी तो ये स्क्रब हो चुका है, अभी इसको धोकर आती हूँ। सो गाइस, आप मेरे ये हैंड में और ये हैंड में कुछ थोड़ा सा इतना सा फ़र्क देख रहे होंगे, या पता नहीं अच्छा खासा फ़र्क होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख तो नहीं रहा कैमरे में,
और हाथ में तो मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है इस वाले में, अगर आप लोग को भी लग रहा है तो आप बताइए। एक से तीन बार आप इस्तेमाल करने के बाद ब्लैक हेड्स, सन टैन रिमूवर और आपके वाइट हेड्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको आपकी स्किन ब्राइट लगेगी थोड़ी सी। क्योंकि जब आपके फेस पर कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं फिर भी आई होप कि बहुत। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।